तो जी, सबसे पहले अगर हम बात करें से कलर्स के हवाले से, तो कलर्स इसके अंदर हमारे पास सारे अवेलेबल है, मतलब कि व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन और गोल्डन शरीफ, ये सब कलर हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि कलर्स को जो लेके हमेशा ही अलग किस्म का क्रेज होता है, तो कलर्स यही है जो कि ओरिजिनल में। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे व्हाइट कलर, बाकी सबके फीचर्स वगैरह सब सेम ही है, बस कलर का फर्क होता है। तो हम व्हाइट को अनबॉक्स कर लेते हैं जो कि मेरा फेवरेट कलर है। तो अनपैक करेंगे और इसकी अच्छी बात ये कि ये जो है अपना ऑफिशियल बॉक्स में है, ठीक है, ऑफिशियल रैम प्रोमैक्स के बॉक्स में है। अनपैक करके आपको दिखाएंगे इसके सीन्स। और टू बी ऑनेस्ट, 11 प्रो मैक्स जो है मुझे 12 प्रो मैक्स से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है और इसका जो लुक डिस्प्ले वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये वाइट कलर में है और वाइट कलर का जो लुक है वो भाई मेरे बहुत फेवरेट कलर है मेरा। ये अलग ही शाइन प्रोवाइड करते हैं इसको, ये वाइट कलर है, इसको सिल्वर कलर भी कहा जाता है। और उसका भी हम देखेंगे, ये रिस्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ बॉक्स में जो आपको मिलेगा वो इसके साथ एक यूज़र गाइड है, बेसिकली डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, ये अडॉप्टर है जो कि चार्जिंग के लिए। इसके साथ साथ ये हैंड फ्री हेडफोन जो है, जो बहुत लोग पूछते हैं, वो मिलेगी भाई आपको इसके साथ। इसके साथ ये केबल है जो कि हर बॉक्स में होता है। ठीक, हमारा फ़ोन हो चुका है स्टार्ट, जब आपको फ़ोन का रिव्यू देंगे। तो ये रहा जी आईफोन 11 प्रो मैक्स जो कि फुल डिस्प्ले वाला है और ये मेरा बहुत फेवरेट है। आप देख सकते हैं इसका नॉच स्क्रीन कोने से कोने तक है, मतलब ये इसके सारे पैसे होते हैं। बहुत अलग किस्म का लुक ये प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इसका कैमरे के हवाले से बात करेंगे, कैमरे के हवाले से जो लोग पूछ रहे होते हैं कैमरा को दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका कैमरा जी, और मैं इसको आपको फुल डिस्प्ले में दिखाऊं तो ये देखूं, मतलब पैसे पूरे है भाई, पैसे पूरे है, मानो ना मानो। इसके साथ इसके अंदर स्लोमो का ऑप्शन है, टाइम लैप्स का ऑप्शन है, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि स्लोमो इसमें वर्क नहीं करता। मतलब स्लोमो से वीडियो बन जाती है लेकिन वो एक एज अ नॉर्मल वीडियो बनती है, वो स्लोमो नहीं होती। साथ साथ हम इसके और फीचर आपको दिखा दें, लेकिन पहले आप ये फोन का डिजाइन चेक कर सकते हैं। एज ऑलवेज मैंने आपको बोला कि ये मेरा फेवरेट मोबाइल, फेवरेट कलर, मतलब ओपी, क्योंकि इसके जो पैसे है, जो इसके प्राइस टैग है वो वर्थ करती है कि आप इस तरह का फोन हाथ में पकड़ेंगे इतने पैसों में, मीन द लॉट। और हम आपको इसकी सेटिंग दिखाएंगे। सबसे पहले ये इसका एप्पल आइकन है जो कि 100% वर्क करता है, और ये आईफोन के डिस्प्ले में ये आइकन एक अलग किस्म का लुक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये 3D टच, एज ऑलवेज 3D टच के साथ साथ हम सेटिंग दिखाएंगे। सेटिंग में अगर हम जनरल में जाके अबाउट फोन में चेक करें, तो अबाउट फोन में इसका ये सॉफ्टवेयर वर्जन 13.5.1, ये देखें भाई ये इसका वर्जन है। इसके साथ साथ इसके अंदर सब मौजूद है। इसकी जो कैपेसिटी, जो इसकी स्टोरेज होती है वो शो करती है 64 GB, लेकिन भाई 32 GB से ऊपर ये मोबाइल नहीं आता। ये मैं काफ़ी लोगों को समझा के थक गया हूँ, लेकिन 32 GB से ऊपर नहीं आता, ठीक है। ये किसी भी मास्टर कॉपी में, किसी भी आईफोन की कॉपी में 32 GB से ऊपर अवेलेबल नहीं होता भाई। खैर, इसका भी हम आपको कीपैड दिखाएं, तो कीपैड का लुक ये आप देख सकते हैं। और बाकी इसके साथ साथ इसका जो डिस्प्ले है ना भाई, ये सारे पैसे, ये पूरी वीडियो इसके डिस्प्ले के हवाले से, क्योंकि मीन्स अलॉट बहुत से लोगों ने मुझसे इसके वीडियो के बारे में पूछा, तो ये वीडियो इन लोगों के लिए जो देखना चाहते थे इनका डिस्प्ले, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, और ये चीज़ें बड़े इसमें इजीली वर्क करती है भाई। अपने नॉर्मली यूज़ के लिए लेना है अगर, तो इसके अंदर प्ले स्टोर है। सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर ऐप स्टोर दिया हुआ है, लेकिन ऐप स्टोर वर्क नहीं करता, इसमें सिर्फ प्ले स्टोर वर्क करता है। मतलब इसमें एंड्रॉयड की आईडी, जो गूगल की आईडी होती है, वो इसमें वर्क करती है। इसके साथ इसका आई वॉच, आप आई जो एप्पल की वॉच होती है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कि इसके अंदर है वो ये सब फंक्शंस हैं, और इसकी जो मेन बात है वो है इसके फुल डिस्प्ले। सारे पैसे भाई फुल डिस्प्ले के हैं।
फुल डिस्प्ले के साथ साथ आपको इसके जो बॉडी दिखा दूं, तो बॉडी में इस तरफ आपको मिलेगा पावर की जो कि हर फोन में इसी तरह होती है, लेकिन इसका जो ये साइडों पे ये प्रोटेक्टर के तौर पे लगा हुआ है, क्योंकि ये जब बॉक्स के अंदर पैक होते हैं, क्योंकि ये इतना स्लिम सेट है इसका बटन ऐसे ताकि वो दब के मोबाइल ऑन ना हो जाए, इसलिए इसके ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। इसके साथ साथ ये सिम इजेक्टर है, डबल सिम इसके अंदर वर्क करती है। ये इसके जो साइलेंट ऑप्शन है ये देखें आप, तो ये वर्क करती है। उसके साथ साथ ये वॉल्यूम की, इसका जो वेट और इसका जो शेप वगैरह है वो काफी पोर्टेबल है, क्योंकि आप इसको बड़े इजीली हाथ में बड़ा स्लिम सेट मतलब आप कह सकते हैं उसको। और ये है जी हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं, वहां आपको ये फोन मिल जाएगा। 12 प्रो मैक्स की प्राइस टैग के लिहाज से ये थोड़ा सा उससे कम प्राइस में, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने प्राइस टैग में आपको इतना अच्छा लुक वाला फोन और इतना अच्छा रीजनेबल प्राइस में नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसके जो लुक वगैरह के वो सारे पैसे इसके लुक के हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, जितने लोगों ने पूछा मुझसे 11 प्रो मैक्स के बारे में, उन सब के लिए और जितने भी नए लोग हैं उन सबसे यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा ताकि इसी तरह की और वीडियोस हम बनाते रहे। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू 3000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए।